एपिसोड की शुरुआत जंग्यान और शिंगजी से होती है। जंग्यान जो अभी चिंग यू द एंशिएंट गॉड बना हुआ था, वो बस कुछ ही देर के लिए ऐसे रह सकता था, वो भी शिंगजी की पावर्स की मदद से। शिंगजी उसे फूचंग के बारे में पूछता है, जिसपे चिंग यू उसे बताता है कि जब वो फूचंग जंग बना हुआ था तब उसने फूचंग को मौत की सजा दे दी थी, लेकिन जब वो जंग्यान बनकर दोबारा पैदा हुआ तो फूचंग ने इसके पेरेंट्स को मार दिया था। चिंग यू दोबारा से अब जंग्यान बन जाता है क्योंकि शिंगजी का वो वाला मैजिक खत्म हो जाता है। अब उसे चिंगू वाली कोई भी कॉन्वर्सेशन याद नहीं रहती। शिंगजी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में एक स्पेल डाल दिया है जिससे तुम म्यास्मा से मुतासर लोगों को ट्रीट कर पाओगे। जब जंग्यान चेक करता है तो सच में उसके पास वो स्पेल आ चुका था। जंग्यान के यहाँ से जाने के बाद शिंगजी के पास शनली आती है, जो दूर से सब देख ही रही थी वैसे, और वो जंग्यान की चिंगू होने वाली बात पे सवाल करती है, जिसमे शिंगजी उसे बताता है कि चिंगू एक एंशिएंट गॉड था और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और हेवन के नेचुरल लॉ के कुछ रूल्स होते हैं, इसीलिए वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे। चिंगू ने अपनी एंशिएंट गॉड की पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से निकाल दिया गया और सजा के तौर पर उसे इंसानी दुनिया भेज दिया, आम इंसान बना के उसके साथ उस लड़की को भी भेजा जिसे उसे प्यार था, लेकिन वो अब तक अपने एक भी जन्म में उस लड़की को यानी अपने सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाया। तो इसीलिए जंग्यान जंगी और शीलो बार बार पैदा होते रहेंगे और अपनी किस्मत रिपीट करते रहेंगे, और तो ये भी नहीं पता कि उसका प्यार असल में हा यानी जिंगशी थी या फिर शीलो थी। आज यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में कोई इवेंट था जिसपे सब लोग तैयार होकर यहाँ की सड़कों पर निकले हैं और त्योहार मनाते हैं। शाली और शिंगजी भी जाते हैं। शिंगजी शाली का हाथ पकड़ उसे ले जाता है और ये दोनों को काफी अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे फायरवर्क्स हो रहे थे, दोनों एक वक्त पे एक दूसरे से जुड़ा भी हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को ढूंढने की जो एक्साइटमेंट थी और दूर दूर से देखना, और वो सब देख इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है और इनका ये दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। वहीं जंग्यान की मुलाकात भी शीलू से होती है, जिसे वो बताता है कि कल वो अपने गांव वापस जा रहा है और अब पता नहीं की मुलाकात कब हो, तो इसलिए ये शीलू को अच्छे से गुड बाय करना चाहता है, क्योंकि पिछली बार जब ये दोनों मिले थे तो जंग्यान शीलू को अच्छे से बाय नहीं कह पाया था। यहाँ शीलू खड़े होकर जाने लगती है और ये कहती है कि अगर किस्मत ने इन्हें मिलाया तो ये दोबारा जरूर मिलेंगे। सुबह हम देख पा रहे हैं कि जंग्यान जंग ई के साथ गांव के लिए निकल चुका था और शीलू भी अपने रास्ते निकल रही थी। अब शाली भी मॉडल वर्ल्ड वापसी लौटना चाहती थी। शिंगजी उसे कुछ दिन मॉडल वर्ल्ड में ठहरने को बोलता है जब तक म्यास्मा के साइड इफेक्ट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, लेकिन शाली कहती को एक बार इमोटर रैम चली जाए तो वहां जाकर किसी को भेज देगी। शिंगजी बोलता है कि तो फिर मैं भी साथ चलूंगा, और अब ये दोनों इमोटर रैम शाली के घर में लैंड हो जाते हैं। वहां हमेशा की तरह रोया ने रोना धोना मचाया हुआ था। वो शनि को बताती है कि अच्छा हुआ आप आ गई, फुरंग ने फिर से सबके नाक में दम कर रखा है, वो जब से इंसानी दुनिया से वापसी आया है मुफंग के आगे पीछे ही दौड़ता रहता है। वो शनि को ये भी बताती है कि यहाँ योलान आई हुई है जो इस वक्त हर होलीनेस के हॉल में है। योलान भी हेवनली लॉर्ड की पोती है, फुरंग की बड़ी बहन है। शनि को भी हर होलीनेस के बाद जाना था उन्हें रिपोर्ट करने के मोटेड वर्ल्ड में क्या हुआ, इसलिए वो भी शिंगजी के साथ उस तरफ चली जाती है। वहीं जनरल शंघाई को दिखाते हैं जो एक दूसरे वाले जनरल के साथ योलान के बारे में गॉसिप कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि एक दिन योलान मरने वाली थी, तभी उसकी जान शिंगजी ने बचाई थी, तभी से ये सब योलान को लकी मानते हैं। वहीं ये सब गॉसिप शाली भी सुन लेती है, और शंघाई तक फिजिकल शाली तो नहीं आती पर उसे आवाज सुनाई पड़ती है जो शंघाई को गॉसिप बंद करने बोलती है। अब होलीनेस के हॉल में शाली और शिंगजी एंट्री लेते हैं, जहाँ होलीनेस और योलान शिंगजी को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद होलीनेस योलान को शाली से मिलवाती है। योलान शाली को अच्छे से ग्रीट करने की बजाय उससे पूछती है कि तुम शिंगजी के साथ क्यों आई हो, तुम्हें तो मेरे भाई फुरंग के साथ होना चाहिए। इस बात का एक्सप्लेनेशन शिंगजी और बाकी सब जनरल्स के चले जाने के बाद देता है। यार होलीनेस शिंगजी योलान और शाली ही बचते हैं। शिंगजी योलान को बताता है कि कैसे वो फुरंग और शाली के साथ मोटर पर जाकर म्यास्मा को प्योरिफाई कर रहा था। जब शिंगजी ये सब बता रहा था, योलान उसे गौर से सुन रही थी एक स्माइली फेस के साथ, जैसे वो बिल्कुल लट्टू हो गई हो शिंगजी से अट्रैक्शन में। यहाँ शिंगजी योलान से भी पूछता है कि आखिर उसके यहाँ अचानक इमोटर रैम आने की क्या वजह है, जिसमें योलान बताती है कि वो यहाँ डिवाइन रैम से होलीनेस के लिए 100 फ्लावर बैंक्वेट का इनविटेशन लाई है। ये कोई त्योहार है जो 300 सालों में एक ही बार मनाया जाता है। ये इवेंट खास है इसके लिए योलान को खुद हेवनली लॉर्ड ने यहाँ भेजा है ताकि वो होलीनेस को इन्वाइट कर सके। योलान की बकबक
कमी नहीं हो रही थी और चार्ली आर ओलिनस को मोटर वर्ल्ड में जो मेस्पा फैला हुआ था उसकी रिपोर्ट देने आई थी। वो शिनजी और योलान से कहती है कि अगर उनका काम हो गया हो तो वो दोनों यहाँ से चले जाए ताकि एयर ओलिनस को रिपोर्ट कर सके। योलान और बैरसो के यहाँ से चली जाती है पर शिनजी बैठा रहता है। चार्ली जब उसे डायरेक्टली पूछती है कि वो स्टिल यहाँ क्यों बैठा हुआ है तो शिनजी बोलता है कि ये सब मेस्पा वाली बात के बारे में इसका भी सब जानना जरूरी है, इसलिए ये यहीं बैठा रहेगा और इस डिस्कशन को सुनेगा। और ओलिनस बोलती है कि हाँ शिनजी बैठा रहे, इन्हें कोई मसला नहीं है। अब शाली और ओलिनस को सब कुछ बताती है आखिर मोटर वर्ल्ड में हुआ क्या था। वो साथ ही ये भी बताती है जो बुरे लोग थे जिन्होंने ये मेस्पा क्रिएट करा था और अर्थ डिवाइनर्स को किडनैप करा था, वो लोग इमोटर राम के लोगों जैसा मैजिक ही यूज कर रहे थे जिससे सबको लगता है कि ये काम हमारा है। शाली ये भी बताती है कि उन लोगों ने जिशा की बॉडी को यूज करके उसे कोई क्रिएटर बना दिया था और इन लोगों के लीडर का नाम फूशंग है। और ओलिनस ये नाम सुन शॉक्ड हो जाती है पर जब शाली उसे पूछती है कि क्या आप इस फूशंग नाम यानी को जानती है तो ओलिनस बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है, पर मैं इस बारे में किसी को मोटर वर्ल्ड भिजवा कर इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी। फिर ओलिनस शाली को हाथ पे टैप करके बोलती है कि तुम जाकर अब रेस्ट करो। शाली और शिनजी के यहाँ से जाने के बाद ओलिनस अपने उन दो गार्ड्स को बुलाकर फूशंग को ढूंढने का ऑर्डर देती है और बोलती है कि उसे मिलते ही मार देना। ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली ओलिनस उसको जानती है। जब शाली और शिनजी ओलिनस के रूम से बाहर आते हैं तो शिनजी ने जो रूम में देखा था कि ओलिनस शाली को बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है, वो इसी बारे में शाली से पूछता है। शाली बताती है कि ओलिनस मेरे बहुत क्लोज है, उन्होंने मुझे बचपन से ही पाला है, हमारा रिश्ता माँ और बेटी के जैसा है। अब शाली यहाँ से मुफंग को ढूंढ रही होती है, उसे एक जनरल से पता चलता है कि योलान मुफंग को गार्डन की तरफ लेकर गए है। हमें वहाँ गार्डन की तरफ भी ले जाया जाता है जहाँ योलान मुफंग के साथ थी। पहले तो योलान मुफंग से माफी मांगती है फुरंग की गलतियों के लिए। वो बोलती है कि फुरंग शुरू से ही ऐसा है, औरतों के पीछे तो वो भागता ही है लेकिन किसी मर्द के पीछे भागते हुए उसे पहली बार देखा। वो बोलती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, जरूर तुमने भी कुछ किया होगा तो सुधर जाओ और मेरे भाई की रेपुटेशन को खराब ना करो। ये बात शाली भी सुन लेती है और बोलने लगती है कि तुम्हारा भाई हर किसी के साथ फ्लर्ट करता रहता है, वो तो किसी पुतले को भी ना छोड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोल्जर से ऐसे बात करने की। योलान बोलती है कि ये कौन सा तरीका हुआ अपने गेस्ट से बात करने का, जिसमें शाली बोलती है कि मैं रिस्पेक्टेड लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, जो प्यार से बात करता है उसे प्यार से बात करती हूँ, लेकिन अकड़ो लोगों से मैं अपनी मर्जी से पेश आती हूँ। अब वो मुफंग का हाथ पकड़ती है और यहाँ से जाने लगती है। योलान भी इसके पीछे पीछे आती है, उसका दूसरा वाला हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं एक डिवाइनर हूँ, आज तक किसी ने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करा। शाली बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, योलान हाथ पकड़े रखती है तो आगे जाकर शाली उसका वही वाला हाथ मुड़ा देती है। योलान चीखने लगती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन शाली नहीं छोड़ती। यहाँ शिनजी भी देख लेता है, उसका ध्यान शाली के हाथ पे जाता है जिसे उसने मुफंग का हाथ पकड़ा हुआ था। शिनजी को थोड़ा जालस फील होता है, वो अपने जादू से योलान को शाली से बचाता है। उसके बाद शाली को बोलता है कि वो ऐसे योलान को भी क्यों कर रही है। फिर शाली बोलती है कि वो किसी को भी अपने जनरल्स को बुरी नहीं करने देगी, वो भी किसी डिवाइन रैन वाले के हाथों तो बिल्कुल नहीं। वो दिल में सोचती है कि शिनजी मेरा साथ देने की जगह मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। वो याद करती है कि हमेशा शिनजी शाली को ऐसे ही मेहनत के बातें सुनाता है और फिर पीछे पीछे आता है। वो मुफंग के साथ यहाँ से चली जाती है और मुफंग को बोलती है कि दोबारा अगर डिवाइन रैन से कोई भी तुम्हें बुरी करने की कोशिश करे तो तुम उनकी बात मत सुनना। वो मुफंग को जैशा का लॉकेट देती है। ये लॉकेट शाली के पास मोटर वर्ल्ड में जब वो जैशा से फाइट कर रही थी तब उसके हाथ में रह गया था। वो मुफंग से उस लॉकेट को जनरल जैशा के घर देकर आने को बोलती है। मुफंग इस लॉकेट को देख रहा था। शाली उसे बोलती है कि खुद को इस बात पे ब्लेम मत करो। मुफंग अब ये लॉकेट जाकर जैशा की वाइफ को दे देता है और फिर उसकी वाइफ जैशा की याद में थोड़े आंसू बहाती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। हमें मुफंग को दिखाते हैं जो शराब खाने में जैशा की याद में वाइन पी रहा था। वहाँ शाली जाकर उसे पीने से रोकती है और कहती है कि वो भी साथ पिएगी और आज ये लोग सारे मरे हुए सोल्जर्स की याद में पियेंगे। शाली बहुत पी लेती है और यहाँ रोया आकर उसे घर चलने बोलती है पर शाली मना कर देती है। मुफंग रोया से कहता है कि वो खुद शाली को घर छोड़ जाएगा। रोया जब घर लौटती है तो वहाँ शिनजी खड़ा हुआ था शाली के कमरे के बाहर। रोया को लगता है कि वो शाली का वेट कर रहा है तो वो उसे बताती है कि शाली आज मुफंग के घर रुकेगी क्योंकि उसने ड्रिंक कर ली है। हमें मुफंग के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ मुफंग और शाली मुफंग के घर के छत के ऊपर लेटे हुए थे। शाली लेटी हुई थी और मुफंग बैठा हुआ था। शाली ने बहुत पी ली थी, उसे जब होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी कलीग के साथ यू टेरेस पे पड़ी आसमान देख रही है तो उसे एम्बेरसमेंट होती है। मुफंग शाली से पूछता है कि क्या उसे तारे दिख रहे हैं, जिसमें शाली बोलती है कि यहाँ तो मुझे कोई तारे नहीं दिख रहे। मुफंग बताता है कि उसे तो
देख रहा है। वो शनि की तरफ इशारा कर रहा था। वो दोबारा से शनि को यहाँ अपने प्यार के बारे में बताने की कोशिश करता है। वो इसे पसंद करता है पर शनि दोबारा से मना कर देती है। उसका कहता है कि मैं समझता हूँ आप अपनी स्टेटस की वजह से मेरे साथ नहीं रह सकती। जिसमें शनि कहती है कि बात स्टेटस की नहीं है। वो आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले नीचे से फुरंग के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो दोबारा शनि पे इल्जाम लगाने आया था कि तुम डबल डीलर हो। शनि जवाब में बोलती है कि मैंने वार्न करा था ना कि मेरे जनरल को परेशान नहीं करना। तुम्हें ये सब जोक लगता है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? मोफंग को ये सुन अच्छा लगता है कि शनि इसे मेरा जनरल बोल के बुला रही है। फुरंग अब चिल्लाकर शिनजी को पुकारता है और बोलता है कि देखो शनि मुझे कैसे ट्रीट करती है, मैं इसी लड़की के साथ कैसे शादी करूँ। शिनजी जो यहीं छुपकर सब सुन रहा था सामने आ जाता है। शनि और मोफंग भी अब टेरेस से नीचे आ जाते हैं। शनि बोलती है कि ये तुम डिवाइनर वालों की पुरानी आदत है क्यों छुप छुप कर बातें सुनना। जिस पर फुरंग बोलता है कि तुम इमोर्टल रैन वाले या एक लड़का लड़की ऐसे रात को तारे देखते हो और मुझे तो यहाँ कोई तारे नजर भी नहीं आ रहे। जिस पर शनि उस पर अटैक करने लगती है। बस उसे डराने के लिए वो हमला बस जमीन पर ही कर रही होती है। शिनजी शनि से बोलता है कि तुम मोफंग के प्यार को कबूल क्यों नहीं कर लेती, अगर तुम लोग आज साथ आ जा रही हो तो मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। शनि बोलती है कि तुम ही तो हो जिसने मेरी शादी फुरंग से फिक्स की थी और तुम जिसे तोड़ने को तैयार ही नहीं हो। तो जब जानते हो कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता तो ऐसी बातें करके सबको अनकंफर्टेबल क्यों फील करवा रहे हो। शनि फुरंग को भी बोलती है कि मैं आज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ दोनों की शादी दोनों रेंस की बात है और ये तो होकर ही रहेगी। चाहे तुम कोई भी ट्रिक्स खेल लो तो जब तक शादी का दिन नहीं आ जाता अच्छा होगा तुम डिवाइन रन लौट कर आराम करो। शिनजी बीच में शनि से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी और मोफंग वाली बात पे बस मजाक करा, तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया। जिसमें शनि कहती है कि मैं सीरियस हूँ, मेरे साथ ऐसे मजाक ना किया करो। शनि शिनजी को ये भी बोल देती है कि अब शुरुकेन का सील भी तुमने ठीक कर दिया है और अर्थ डिवाइनर्स की किडनैपिंग वाला केस भी सॉल्व हो गया है तो अब आपको चले जाना चाहिए। एंशियंट गॉड्स का यू इमोर्टल वर्ल्ड में इतने टाइम घूमना ठीक नहीं। शिनजी कहता है कि ठीक है मैं कल ही वापस लौट जाऊंगा। शनि शिनजी से पूछती है कि आज वो यहाँ क्यों आया था। जिसमें शिनजी बताता है कि वो फुरंग के कहने पे आया था। फुरंग ने जो भी करा है तुम्हें परेशान करा है मैं वो जाकर हवेली लॉर्ड को जरूर बताऊंगा। और वो ये भी बोल रहा है कि जब तुम्हारी फुरंग से शादी हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि फुरंग सुधर जाएगा, अभी जैसी हरकतें नहीं करेगा। ये सुन फुरंग कुछ बोलने वाला था पर जादू से शिनजी इसका मुंह ही बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। वो फुरंग से ये भी कहता है कि कल मैं तुम और योलांग यहाँ से चले जाएंगे। वो शनि को भी गुड बाय कह देता है और बोलता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखना। शिनजी फुरंग को लेकर यहाँ से चले जाता है। पर वो उड़ के गया था इसीलिए बादल क्लियर हो गए थे और अब स्टार्स क्लियरली नजर आ रहे थे। मोफंग शनि से पूछता है कि क्या अब वो ये नजारा मोफंग के साथ कुछ देर देखना चाहती है। जिसमें शनि बोलती है कि वो बस अपने घर वापस जाना चाहती है। शनि अब घर आ जाती है और शिनजी फुरंग और योलांग वापस डिनरन लौट जाते हैं। शनि कई दिन तक शिनजी को मिस करती है। हर होलीनेस के पास हॉल में सभी जनरल्स मोफंग और शनि खड़े होते हैं। हर होलीनेस बताती है कि वाटर इमोर्टल्स को कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं जिसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। वो शनि को पूछती है कि वो कोई जनरल सजेस्ट करे, जो भी जनरल सजेस्ट करेगी उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शनि यहाँ मोफंग का नाम दे देती है। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। हरोली ने शनि को यही रुकने को बोलती है और शनि के साथ चेस की गेम खेलती है। शनि का ध्यान सही लग ही नहीं रहा था। हरोली ने बोलती है कि कहीं फुरंग के जाने की वजह से तो ये नहीं हो रहा। जिस पर शनि कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हरोली ने शनि को बताती है कि योलांग यहाँ 100 फ्लावर बैंक्वेट का इन्विटेशन देने आई थी और वो इवेंट कुछ ही दिनों में होने वाला है। मेरी तबीयत नासाज है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बिहाफ पर तुम वहाँ हुआ हो। वैसे भी तुम्हारी शादी फुरंग से होगी तो तुम डिवाइन रेंट में ही रहोगी, तुम वहाँ जाकर एडजस्ट होने की कोशिश करो। शनि मान जाती है। अब शनि सोने चली जाती है और जब वो उठती है तब क्या हुआ जाने के लिए आगे के पार्ट का इंतजार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो बताकर सपोर्ट कर सकते हो। गुड बाय।